सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। पितर पक्ष आरंभ हो चुके हैं और इस बार पितर पक्ष 16 दिन के हैं। बता दें, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितर पक्ष चलते हैं। पितर पक्ष में पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। आइए पितर पक्ष पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष यानी श्राद्ध का है विशेष महत्व। इस बार 16 दिन के हैं पितृ पक्ष। अश्विन माह की अमावस्या को होगी इसकी समाप्ति। पितृ पक्ष में पूर्वजों का होता है श्राद्ध कर्म। तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से तृप्त होते हैं पितर। पितरों का श्राद्ध करने से मिलती है उनकी कृपा, हर प्रकार की बाधाओं से मिलती है मुक्ति। श्राद्ध करने से पितृ दोष से भी मिलती है मुक्ति। के आशीर्वाद से परिवार और घर फलता फूलता है, लेकिन अगर पूर्वज नाराज हो जाएं, तो कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का दंश झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं किन गलतियों से लगता है पितृ दोष, पितृ दोष के लक्षण और पितृ दोष शांति के उपाय। क्यों लगता है पितृ दोष? मृत्यु के बाद अगर विधि विधान से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ना की जाए तो ऐसे में पितृ दोष लगता है। अकाल मृत्यु हो जाने पर परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृ दोष दंश का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष को अशुभ और दुर्भाग्य का कारक माना जाता है। अकाल मृत्यु होने पर पितर शांति पूजा करना जरूरी माना जाता है। माता पिता का अनादर, मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान,
तर्पण और श्राद्ध ना करने पर पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। पितरों का अपमान करना, किसी असहाय की हत्या, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ कटवाना, जाने अनजाने नाग की हत्या करना या करवाना पितृदोष का कारण बनते हैं। घर में पितृदोष को कैसे पहचाने? पितृदोष होने पर वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं, परिवार में एकता नहीं होती, अक्सर घर में कलेश होते हैं, मानसिक शांति नहीं मिलती। बिना बात के घर में लड़ाई होना पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष होने पर विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शादी में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। कई बार तो शादी पक्की होने पर टूट जाती है, मांगलिक कार्य में रुकावट आती है, शादी के बाद तलाक या अलगाव भी पितृदोष का कारण है, वंश वृद्धि ना होना भी पितृदोष का कारण है। ऐसे लाख जतन के बाद भी शादी के कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल पाता। अगर संतान सुख मिल भी जाए तो बच्चा विकलांग या पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पितृदोष होने पर घर में बीमारियों का डेरा होता है, परिवार के सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, ऐसे में बार बार दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। नौकरी और बिजनेस में अक्सर घाटा होना, कार्यस्थल पर आर्थिक के साथ मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती है, नौकरी में तरक्की रुक जाती है। कैसे खत्म किया जाए पितृदोष? पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें, साथ ही साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृपक्ष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। किसी जरूरतमंद को भोजन, दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से पितर खुश होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं, रोजाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। कहते हैं इससे पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।